हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भाई हम व्हाट्सएप के बारे में और व्हाट्सएप की ऐसी सेटिंग के बारे में बात करेंगे भाई जिससे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या होता है कि भाई व्हाट्सएप पे हमारे पास कोई मैसेज आता है, कोई वीडियो आती है, कोई फोटो आता है तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। तो क्या होता है कभी कभी कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जिनको हम वीडियो हो या फोटो हो डाउनलोड नहीं करना चाहते पर वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन में व्हाट्सएप पर सेटिंग करके उस सेटिंग को ऑन कर दोगे तो भाई ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होंगे वो जो भी फोटोज़ हैं, जो वीडियोज़ हैं। जब आप देखोगे, आप चाहोगे, आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल लगेगा, तभी आप उनको डाउनलोड करें, वरना वो डाउनलोड नहीं होंगे। तो उसी सेटिंग के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं, फ़ोन को कर लेते हैं ओपन। इसके लिए चाहिए भाई हमें फिंगरप्रिंट और उसके बाद चलते हैं सीधा व्हाट्सएप ऐप आपको अपनी ओपन कर लेनी है। उसके बाद भाई यहाँ पे थ्री डॉट का निशान लगेगा, इसके अंदर दिखेगा, उसके अंदर चले जाएं। उसके बाद आपको चले जाना सेटिंग्स के अंदर। ये देखिए सेटिंग्स पे क्लिक कर दिया हमने, ये देखो। उसके बाद भाई आपको चले जाना है सीधा सा स्टोरेज एंड डाटा के अंदर। ये देखो भाई यहाँ पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे देखो आपको लिखा मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे वॉइस मैसेज ऑलवेज ऑटोमेटिकली डाउनलोड। भाई वॉइस मैसेज जो है वो हमेशा ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाते हैं, उनको आप नहीं रोक सकते। आप केवल वीडियो और जो फोटोज हैं, देखो When using mobile data, तो पहली सेटिंग है जब आप मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं तो मेरे फ़ोन में क्या लिखा हुआ है कि फोटोज़ ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएंगे। पर इसको आपको क्या करना है, When using mobile data, जब आप मोबाइल डाटा का यूज़ करें तो आप क्या चाहते हैं, फ़ोटोज़ को डाउनलोड करना, ऑडियो को, वीडियो को या डॉक्यूमेंट को। आप अगर यहाँ से भी हटा दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी अपने आप डाउनलोड नहीं होगा। इसको ओके कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ चुका है नो मीडिया, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है When connect on Wi-Fi, जब आपका वाईफाई से कनेक्ट हो तब आप क्या क्या चाहते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से तो आपको सबको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पहले आप देख लो आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे, आपके काम की लगे, तभी आप डाउनलोड को उसको ओके कर दो। अब हो गया When connect on Wi-Fi नो मीडिया, When roaming नो मीडिया। तो आपको भाई यही सिंपल सी सेटिंग है, ये तीनों आपको नो मीडिया पे कर देने हैं। उसके बाद भाई आपके फ़ोन में कुछ भी ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगा, जब आप चाहेंगे तभी डाउनलोड होगा, ठीक है भाई। एक बार वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई सारी सेटिंग को दोबारा देख ले, वरना सिंपल सा थ्री डॉट पर क्लिक करना है। ये देखो एक बार सेटिंग्स के अंदर जाना है, स्टोरेज एंड डाटा के अंदर जाना है और यहाँ पे इन तीनों को नो मीडिया कर देना है, ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, पर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।